आज की रेसिपी है कुरकुरे लच्छेदार प्याज के पकौड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कुरकुरे लच्छेदार प्याज के पकौड़े बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। सबसे खास बात यह है कि ये पकौड़े ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी और क्रंची बने रहते हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका सोम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मीडियम साइज के 4 प्याज ले रही हूँ। सभी को छील कर धो कर अच्छे से रख ली हूँ। दोनों साइड आप देख रहे हैं प्याज को अच्छे से मैंने काट दिया है और इसको 2 टुकड़ों में काट कर इसकी बारीक कट करेंगे। प्याज को मेन काटना होता है, जितना बारीक कटेगा उतना ही अच्छा लच्छेदार क्रिस्पी पकौड़े हमारे बनकर तैयार होते हैं। देखिए बिल्कुल बारीक कटी है ना। इस तरीके से सारे प्याज को मैं यहाँ पर काट कर रख लेती हूँ। सभी एक समान कटे हैं, पतले पतले, और इसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ एक बाउल में। बाउल में डालने के बाद सबसे पहला काम मुझे करना है इसको मैश। मैश करेंगे ना तो इसकी बारीक बारीक जो सभी टुकड़े होते हैं सभी अलग 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 हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं ना। अलग करना मेन इसका उद्देश्य होता है। जितने अलग होंगे, जितने ज्यादा अलग होंगे, उतने ही ज्यादा पकौड़े हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इसमें एज पर टेस्ट मैं नमक डाल दी हूँ और इसको मैं अच्छे से नमक के साथ मिक्स कर दूंगी। सबसे पहले नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि प्याज और नमक मिक्स होकर थोड़ा सा वो मॉइस्चर जो रहता है प्याज में वो निकल आए। और थोड़ी देर इसको 1 से 2 मिनट वैसे ही छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद देखेंगे कि प्याज ऑलरेडी पानी छोड़ चुका है। जब पानी छोड़ देता है ना तो ऊपर से हमें पानी डालने की जरूरत भी नहीं होती है। और इस तरीके से वो मॉइस्चर सारा प्याज अपना छोड़ देता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन। 4 प्याज में मैं मात्र 2 चम्मच बेसन डाली हूँ। आप कहेंगे कि इतना सा बेसन से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें मिक्स कर दिए हैं हल्दी 1/4 चम्मच और डाल दिए हैं 1/2 चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर। सबको अच्छे तरीके से कर देते हैं मिक्स। इसमें डाल देते हैं 2 बारीक कटी हुई पतली पतली कटी हुई हरी मिर्च। जितना आपको तीखा पसंद है उतना ही डालिए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दीजिए तो फ्लेवर उसका बहुत ही अच्छा आता है। और सभी सामग्री को आप देख रहे हैं कि मैं मिक्स करते जा रही हूँ रेगुलर। एक ही साथ सारी सामग्री मैं नहीं डाली हूँ और यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच छोटी चम्मच से कस्तूरी मेथी। इससे ना प्याज के पकौड़े में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप कस्तूरी मेथी नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अजवाइन डाल सकते हैं। और सबसे खास चीज है वो है चावल का आटा। चावल के आटे से ना बहुत ही क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे बने रहते हैं और ठंडी होने के बाद भी ये पकौड़े सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से सारी सामग्री को हम मिक्स कर देंगे। आप देख रहे हैं अभी तक मैं पानी नहीं डाली हूँ। हाँ, लेकिन जरूरत पड़े तो मैं पानी जरूर डालूंगी, नहीं जरूरत पड़े ना तो फिर पानी नहीं डालूंगी। प्याज के पकौड़े में ये होता है कि प्याज ज्यादा होना चाहिए और जो बेसन होता है वो कम होता है। यहाँ मैं 2 चम्मच पानी डाली हूँ और सभी को अच्छे से कर देते हैं मिक्स। बस मात्र 2 ही चम्मच डाली हूँ। अगर आपके भाई नहीं डाल रहा है तो बिल्कुल ना डालिए। और देखिए बॉन्डिंग होने लगी है, प्याज भी अच्छी खासी दिख रही है। बहुत ज्यादा बेसन डाल दीजिएगा ना तो फिर वो प्याज के पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे, फिर तो वो बेसन के पकौड़े हो जाएंगे। इसलिए अच्छी क्वांटिटी में प्याज दिखनी चाहिए, तभी तो वो प्याजू यानी प्याज के पकौड़े होते हैं। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा टुकड़ा डालकर मैं यहाँ चेक कर ली हूँ। देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया है ना। तो अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे, बिल्कुल भी ना तले पकौड़े को, नहीं तो लाल हो जाएगा और क्रिस्पी अंदर से पकेगा नहीं। और इसी तरीके से जितने एक बैच में आएगा उतना मैं पकौड़े इसमें डाल दे रही हूँ और इसको थोड़ी देर के बाद इस तरीके से हिला देंगे ताकि वो अच्छे से तेल में मिक्स हो जाए। और इसको पलट देंगे ताकि दोनों साइड में ही ना पकौड़े अच्छे क्रिस्पी करारे कुरकुरे मजेदार बनकर तैयार हों। इसीलिए मैं सारे पकौड़े को पलट दी हूँ ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से सिक जाए। और थोड़ी देर में देखिएगा कि प्याज पकौड़े बिल्कुल गोल्डन कलर के हो गए हैं, ब्राउन ब्राउन दिखने लगे हैं, मतलब प्याज के पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं खाने को। और इस तरीके से जब गोल्डन कलर हो जाए तो गैस को कर देंगे बंद और सारे प्याज के पकौड़े हम यहाँ पर निकाल लेते हैं छन्नी पे। इस तरह से निकालिएगा ना तो सारा तेल नीचे गिर जाएगा और पकौड़े आपके ऊपर रह जाएंगे। और इसको मैं डाल देती हूँ एक प्लेट पर। प्लेट पे मैं पहले से ही टिशू डाल रखी थी ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो ना वो टिशू सोख लेता। और इसे सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार होता है। देखिए कितने क्रिस्पी हैं। इसको तोड़िएगा ना तो बहुत ही आराम से ये टूट जाते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए बिल्कुल लच्छेदार में दिख रहे हैं ना प्याज के पकौड़े। आप बनाइएगा जरूर और इंजॉय कीजिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको प्याज की पकौड़ी की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।